विधानसभा चुनाव के पहले विभिन्न जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक शब्द कहा था जो कि बंगाल विधानसभा से लेकर यूपी विधानसभा तक काफी प्रसिद्ध हुआ था। वो शब्द था खेला होबे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले शब्द को लेकर एक गाना भी बनाया गया था और इसके साथ ही यूपी में भी वहाँ के भाषा में इस शब्द को लेकर एक गाना बनाया गया था। दोनों ही गाने काफी प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन एक बार फिर ये शब्द पश्चिम बंगाल के लोगों के सिर चढ़ बोल रहा है। आज यानी कि 16 अगस्त को पूरे पश्चिम बंगाल में खेला होबे दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर कोलकाता के कराया रोड में भी एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दो टीम थी, एक जर्मनी दूसरी अर्जेंटीना। इस खेल को देखने के लिए पूरे इलाके से लोग इकट्ठे हुए थे और लोगों में काफी उत्साह भी दिख रहा था। खेल खत्म हुआ, अंत में टीम अर्जेंटीना की जीत हुई। इस खेल के दौरान हमने यहाँ के संस्था यानी कि जिस संस्था की ओर से इस खेल का आयोजन किया गया था उनसे और साथ ही टीम के कोच से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज की जो टूर्नामेंट हम लोग ने कराया, सब प्रेसिडेंट साहब और हमारे एस सी पी साहब, आप हम लोग सब मिल कर जितने हमारे मेम्बर माइक और टूर्नामेंट जिस तरह से हम लोग आपने देखा किस तरह किया हम लोग और इससे और अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। और ये अभी भी हम लोग होने वाला भी है 26 जनवरी है, जैसे 23 जनवरी है, बहुत ऐसे प्रोग्राम बाकी है भी हम लोग का और कुछ ऐसे और अच्छा टूर्नामेंट करवाएंगे, बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाएंगे। हमारे साथ सब हैं और हमारे सेकेंड सब ऊपर देखिए कड़ा स्पोर्टिंग क्लब अपने आप में एक पहचान है। ये आज से नहीं, एक अरसा से ये क्लब चल रहा है और ये क्लब से सबसे बड़ा बात है कि कल्चर प्रोग्राम सोशल प्रोग्राम किसको बोला जाता है इस क्लब से पता चलता है कि जब भी कोई ओकेशन होता है कल्चर प्रोग्राम के लिए और सोशल प्रोग्राम के लिए ये क्लब हमेशा आगे रहता है। और 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा चीज़ है कि एक खुशी का माहौल होता है, इसीलिए इस खुशी का माहौल में हमेशा क्रिकेट फुटबॉल कोई ना कोई चीज़ होते रहता है। कभी आप अगला साल आते तो देखते हैं इसमें ड्राइंग का मामला था, बहुत सारा कल्चर प्रोग्राम था, फुटबॉल का भी टूर्नामेंट था, यहाँ अक्सर कुछ ना कुछ होते रहता है। ये सबसे